बिलासपुर में डायरिया नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। 2 दिन के भीतर लगभग 100 के लगभग मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने स्वयं फील्ड में उतर गए हैं। वे टीमों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर उन्हें विशेष दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। नगर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित 11 सेक्टर में जाकर MOH ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीमों को दवाइयां भी बांटी, साथ ही निर्देश दिए कि लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर जांच करें, अगर जरूरी हो तो मौके पर ही दवाइयां भी निशुल्क वितरित करें। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रसित परिवार वालों को ORS सहित दवाइयां भी बांटी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार बीते सोमवार को स्वास्थ्य विभाग को डायरिया फैलने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद 2 विशेषज्ञों की टीमें मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग में तैनात की। टीमें लोगों के घरों में जाकर पानी से लेकर लोगों के स्वास्थ्य तक की जांच करने में जुट गई। साथ ही टीम शाम के समय नगर के 11 सेक्टर में पानी के सैंपल भी एकत्रित करेगी, क्योंकि टीम के विशेषज्ञों का कहना है कि शाम के समय ताजा पानी की सप्लाई होती है, जिसके चलते पानी की गुणवत्ता जांच करने के लिए सैंपल लिया जाएगा। इस संदर्भ में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पानी को उबाल कर पिए, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। आप जानते हैं कि कल हमें सुबह खबर मिली थी कि 11 सेक्टर में और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो बिलासपुर की है, यहाँ पे डायरिया के केसेस आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए कल हमने 5 टीमें 11 सेक्टर में और 2 टीमें हाउसिंग बोर्ड में बना के भेजी थी, और शाम तक हमें पेशेंट का पता चला कि कोई 60 से लेकर 100 तक पेशेंट हमें मिल रहे थे। तो उसी क्रम को आगे रखते हुए आज दोबारा से रणनीति बनाई है। सुबह में पहले 11 सेक्टर गया, वहाँ पे हमने 3 टीमें बनाई हैं, और तीनों जो वहाँ के वार्ड्स हैं 8, 9 और 10 नंबर, उनमें एक एक टीम जाएगी और पूरी लाइन लिस्टिंग करेंगी पेशेंट्स की, और जिसको मेडिसिन की ज़रूरत होगी तो वो दी जाएगी। और अभी हाउसिंग बोर्ड में हम आए हैं, क्योंकि यहाँ पे 211 घर हैं, तो 2 टीमें बनाई हैं, एक टीम 110 और दूसरी टीम 111 हाउस आज कवर करेगी। इनको सारी मेडिसिन दे दी गई हैं और IC का मटेरियल, लोगों को कैसे बचना है इस बीमारी से उसके बारे में IC मटेरियल दिया गया है, और साथ में क्लोरीन की टैबलेट्स भी दी गई हैं, ताकि किसी को ज़रूरत है पानी में, वो पानी में घोल के वो टैबलेट, ताकि वो पानी शुद्ध हो और जिसको वो लोग पी सकें। और साथ में हमारे साथ हेल्थ एजुकेटर हैं 2 आए हुए, तो लोगों को घर घर में जाके जागरूक करेंगे कि इस बीमारी से, ये जो डायरिया है, उल्टियाँ हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। केसेस निकलते हैं, यहाँ कल वाले ठीक हो गए हैं, तो शाम को ये रिपोर्ट हमें 4-5 बजे तक क्लियर हो जाएगी।